बाई इज़ वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर तो जैसे कि हमारा यूनिट सेकेंड का चैप्टर तीनों चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है सो तो अब हमें यूनिट थर्ड पढ़ना है सो यूनिट थर्ड पढ़ने से पहले हम इसमें जान लेते हैं कि हमारा यूनिट का नाम क्या है कितने चैप्टर्स हैं टोटल तो यूनिट थर्ड हमारा सेल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर यूनिट थर्ड में हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सेकेंड हमारा बायो मोलिक्यूल्स एंड थर्ड इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो आपको जनरली तीन चैप्टर्स कवर करने यूनिट थर्ड में सो so, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स उस चैप्टर में हैं तो वो सब भी पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, हमारा चैप्टर फर्स्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ओवरव्यू ऑफ चैप्टर एट टॉपिक्स कवर अंडर चैप्टर एट सो so, अब चैप्टर एट में हमारे कितने टॉपिक्स हैं लगभग हम उन सबको पहले जान लेते हैं उसके बाद हम चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज सेल यानी सेल क्या है उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल सेल की डिस्कवरी किसने की सेल थ्योरी को किसने दिया लार्जेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट प्लांट सेल में कौन सा लार्जेस्ट है लॉन्गेस्ट सेल डिफरेंस बिटवीन यूनी और मेंटल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो so, आपको डिफरेंसेस यहाँ तीन डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में उसके बाद आपको ओवरव्यू मिलेगा सेल का उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन होगा उसके बाद हमारा सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसके बाद आपको मैम्ब्रेन बाउंड ऑगनल्स एंड नॉन मैम्ब्रेन बाउंड ऑगनल्स पढ़ने को मिलेगा सो मैमब्रेन बाउंड ऑगनल्स में आपको जितने भी मिलेंगे वो आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा कि कौन कौन से हैं आपको मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगी तब वो सब आपको लाइन बाई लाइन बताऊँगी सो राइबोजूम आपको पढ़ना है उसके डिस्कवरी के बारे में डेफिनेशन अक्रेंस एंड टाइप्स उसके बाद हमें डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है डिफ्यूज़न के बाद आपको ऑस्मोसिस पढ़ना है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में आपको डेफिनेशन फंक्शन एंड प्ला सेल मेम्ब्रेन डेफिनेशन फंक्शन और सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल मॉडल पढ़ना है उसके बाद सेल वॉल पढ़ना है डेफिनेशन डिस्कवरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में आपको देखना है नेक्स्ट आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर एंड एस ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो उसका डेफिनेशन डिस्कवरी अक्रेंस टाइप्स ऑफ ई आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोल्जी बॉडी इसे हम गोल्जी अप्रेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसके डिस्कवरी अक्रंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद हमारा लाइजोजोम लाइजोजोम की डिस्कवरी डेफिनेशन अक्रेंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसका भी आपको देखना है नेक्स्ट आपको वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया तो का डिस्कवरी अक्रंस साइज अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना उसके बाद प्लास्टिड नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको पढ़ना है टाइप्स पढ़ना है टाइप्स में आपको क्रोमो प्लास्ट क्लोरो क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है उसका फंक्शन देखना है उसके बाद सीलिया एंड फ्लाजीला के बारे में देखना है उसके डेफिनेशन और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स का डेफिनेशन एंड फंक्शन एंड लास्ट हमारा न्यूक्लियस आएगा न्यूक्लियस की डिस्कवरी उसका डेफिनेशन अकरेंस पोजिशन एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके बाद आपको क्रोमोजोम पढ़ना है डिटेल में आपको क्रोमोजोम यहाँ पढ़ाया जाएगा उसके टाइप्स कितने हैं तो फोर टाइप्स के जनरली होते हैं मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक तो इन चारों के बीच में आपको डिटेल में जानना है इस, इसका फिगर भी आपको देखने को मिलेगा एंड लास्ट टॉपिक हमारा माइक्रोबॉडीज है उसके बाद वॉट इज सेटेलाइट है सो so, आपको इस चैप्टर में टोटल थर्टी सिक्स टॉपिक कवर करने हैं सो so, ये हमारा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी मीडियम है सो so, आप इसे ध्यान से पढ़ें आपके आगे के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बैठेंगे तो आपको ये सब चैप्टर्स अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है सो so, इस वीडियो में इतना ही तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एट के स्टार्टिंग के साथ सो so, तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें सो तब तक के लिए थैंक यू